के मामलों में जो तेज उछाल आ रहा है उसकी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। इसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग की हालिया रिपोर्ट में हुई। वहीं आपको बता दें इसके मुताबिक 79% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, जहां राजधानी में 1 से 8 जनवरी के बीच लिए गए 511 सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। इसके मुताबिक 402 सैंपल यानी 79% में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, जबकि 17% से ज्यादा सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। वहीं आपको बता दें इसके अलावा करीब 4% सैंपल में दूसरे वेरिएंट भी पाए गए हैं। इससे पहले 25 से 31 दिसंबर की रिपोर्ट में 28% ओमिक्रॉन, 32% मामले डेल्टा के और 38% मामले अन्य वेरिएंट के मिले थे। वहीं आपको बताते चलें कोरोना से मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़े हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा है कि दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित संक्रमित मरीजों का अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर ही इलाज करें और ऐसे मरीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं आपको बता दें महानिदेशालय ने कहा है कि हाल के दिनों में कोरोना से मरने वाले ज्यादातर मरीजों को कैंसर व लीवर व दिल के रोग इत्यादि गंभीर बीमारी थी, इसीलिए सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया ऐसी ही हो। वहीं आपको बताते चलें जिसमें मरीज को जल्द सटीक इलाज मिल सके। कोरोना का संक्रमण इतना फैल गया है कि किसी दूसरी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मरीज को भर्ती कर कोरोना की जांच करने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आ रही है। इससे दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को कोविड वार्ड में भेज दिया जाता है। दूसरी गंभीर बीमारी के कारण मौत होने पर भी कोविड से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।